हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइम। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डीन होता है, जिसका कोई फ्रेंड नहीं होता। तब स्कूल में उसकी एक दोस्त बन जाती है जिसका नाम लीना होता है। लीना और डीन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो अच्छे पड़ोसी भी होते हैं। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम देखते हैं कि लीना के डैड वहाँ से कहीं और शिफ्ट होने जा रहे होते हैं और इस तरीके से लीना और डीन अलग हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीन अब बड़ा हो चुका है और एक डिलीवरी बॉय का काम करने लगता है और साथ ही स्टडी भी करता है। वो जॉब इसलिए करता है ताकि वो लीना को उसके बर्थडे पर अच्छा सा गिफ्ट दे सके, क्योंकि लीना भी बहुत बड़ी स्टार बन जाती है और डीन को भूल चुकी होती है, लेकिन डीन उसको नहीं भूल पाता है। लीन अपनी लास्ट डिलीवरी देने के लिए एक टूटे फूटे घर में जाता है जहाँ उसका ऑर्डर खुद देवता आकर लेते हैं, जो उसको एक जादुई टीपॉट देते हैं, क्योंकि डीन एक ईमानदार और साफ दिल का लड़का होता है। डीन की मॉम डीन को स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और साथ ही फिक्रमंद रहती है, क्योंकि वो चाहती हैं कि डीन पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बन जाए। डीन के पड़ोसी हमेशा डीन के घर पर कान लगाकर बातें सुनते रहते हैं। डीन का दोस्त उसकी पोल खोल देता है जिससे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं। वो बोलता है कि उसके सारे असाइनमेंट्स उसने पूरे करे हैं और डीन ने क्लास एक भी नहीं ली है, जिससे कि उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। ये सब सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा दुखी होती है और साथ ही जो पड़ोसी होते हैं वो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ उसी टीपॉट को कुछ ख़तरनाक गुंडे भी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनका बॉस अभी ये नहीं जानता कि उस टीपॉट में क्या है, क्योंकि उसके सिर्फ टीपॉट चुराने का ऑर्डर मिलता है। फिर हम डीन को देखते हैं कि जो रोज़ लीना के बड़े से पोस्टर के सामने बर्थडे पार्टी में जाकर उससे मिलने की प्रैक्टिस करता था और उसने जब वो फेल हो जाता है तो कुछ उदास हो जाता है, तो वो देखता है कि टीपॉट में से कुछ निकल रहा होता है जो कि एक ड्रैगन होता है। डीन को यकीन नहीं होता कि उसके सामने कोई ड्रैगन है। तब वो ड्रैगन डीन को बताता है कि वो एक विश ड्रैगन है जो बहुत हज़ार सालों से इस टीपॉट में रह रहा होता है और डीन को उससे 3 विशेस पूरी करानी है और फिर वो आज़ाद होकर स्वर्ग चला जाएगा। तभी वो गुंडे भी लीन को देख लेते हैं और उसके हाथ में उस टीपॉट को भी, और लीन को पकड़ने के लिए उस पर हमला करते हैं। तभी लीन विश करता है कि काश उसको कुंग फू आया होता। तभी उसकी फर्स्ट विश पूरी हो जाती है और उसको कुंग फू आ जाता है और वो गुंडों की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। अगले दिन डीन अपने घर में सो रहा होता है, उसकी माँ उसको उठाती है और कहती है कि वो घर लेट आएगी, तो शायद डीन को लगता है कि वो सपना देख रहा था और कोई विश ड्रैगन नहीं था। तभी विश ड्रैगन टीपॉट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर डीन चौंक जाता है और उससे उसकी दूसरी विश पूछता है। चूँकि वो विश ड्रैगन कई हज़ार सालों से टीपॉट में था, इसलिए उसको मॉडर्न चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं। डीन विश ड्रैगन के साथ लीना के घर जाने के लिए निकलता है, जहाँ विश ड्रैगन जिसका नाम लॉन्ग होता है, वो जैसे ही बस में घूमता है और चढ़ता है, वहाँ की भीड़ देखकर वो घबरा जाता है और फिर वो टैक्सी करता है, जहाँ टैक्सी भी जैम में फंस जाती है और लॉन्ग डीन को अपने ऊपर बिठाकर लीना की बर्थडे पार्टी के बाहर पहुँच जाता है और वो लॉन्ग से कहता है कि उसको 24 घंटे के लिए अमीर बना दो वो लीना से मिल सके। डीन विश उसकी पूरी करने लगता है और उसको एक अमीर प्रिंस बना देता है, जिसकी वजह से लीना और उसके डैड उसको अमीर समझने लगते हैं। लीना जो कि बहुत बड़ी हो स्टार बन चुकी थी, वो डीन को नहीं पहचान पाती है, लेकिन वो भी बहुत अपसेट होती है क्योंकि वो बहुत अकेली होती है और उसके बर्थडे के दिन उसके डैड भी उसके साथ नहीं होते हैं। अगले दिन लीना और डीन लंच पर जाते हैं, जहाँ 24 घंटे पूरे होने वाले होते हैं और वहीं वो गुंडे भी डीन के पीछे फिर से पड़ जाते हैं। डीन और लीना उनसे बच तो जाते हैं, पर डीन का प्रिंस वाला जादू ख़त्म हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। इस बात से लीना पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने पुराने घर में भी जाती है, लेकिन चूंकि लीना एक स्टार होती है तो उसको अपने घर में वापस जाना पड़ता है। और फिर हमें पता चलता है कि उन गुंडों का बॉस कोई और नहीं था, लीना के डैड ही होते हैं, जो कि उन गुंडों को टी पॉट लाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो भी विश ड्रैगन के बारे में जानते थे।
जब लीना डीन के पास से वापस चली जाती है तो डीन को बहुत बुरा लगता है और वो विश ड्रैगन से कहता है कि वो उसको भी बहुत ज़्यादा अमीर बना दे। यही उसकी थर्ड विश है। लेकिन विश ड्रैगन उसको बहुत अजीब तरीके से देखने लगता है, क्योंकि डीन उसको बोलता है क्योंकि इस दुनिया में पैसे वाले की ही वैल्यू है। लेकिन लॉन्ग उसे अपने पास्ट में ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लो। फिर वो डीन को दिखाता है कि वो एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था और उसने बहुत पैसा कमाया था। अपने बेटे को उसने खजाने की तलाश में भेज दिया था और वो बहुत ही अमीर राजा बन जाता है। लेकिन जब वो मरने वाला था तब उसके पास कोई भी नहीं था, जिसका उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता और देवता उसको विश ड्रैगन बना देते हैं और ज़मीन पर भेज देते हैं ताकि उसे रिश्तों की वैल्यू पता चल सके, जहां उसको 10 मालिकों की गुलामी करनी होती है, तभी उसको स्वर्ग में एंट्री मिल पाएगी। लीन उसका आखिरी मालिक था जिससे मिलकर विश ड्रैगन को लाइफ की और रिश्तों की इम्पोर्टेंस का पता लगता है। विश ड्रैगन कहता है कि ऐसी विश मांगना जो सच में ज़रूरी हो। तभी लीना के पिता और वो गुंडे लीन के पास आ जाते हैं और उसे टीपॉट लेने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो गुंडा उल्टा लीना के डैड पर ही हमला कर देता है और उनको घायल करके डीन से टीपॉट लेकर भाग जाता है। अब विश ड्रैगन लॉन्ग उस गुंडे का गुलाम होता है और वो गुंडा विश ड्रैगन से सोने का हाथ मांगता है और विश करता है कि वो जिस भी चीज़ को छुए वो सोने की बन जाए। डीन और उस गुंडे के बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है। जैसे ही वो गुंडा डीन को मारने वाला होता है तो लॉन्ग बीच में आ जाता है और इसी वजह से उस आदमी के सोने के हाथ से जब वो लॉन्ग को छूता है तो लॉन्ग भी सोने का बन जाता है और समुंदर में समा जाता है। उसकी आँख स्वर्ग में खुलती है जहाँ देवता लॉन्ग को स्वर्ग में एंट्री दे देते हैं, क्योंकि लॉन्ग को अब लाइफ और रिश्तों के इम्पोर्टेंस की मालूम हो चुकी थी। लेकिन लॉन्ग स्वर्ग में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके दोस्त डीन को उसकी जरूरत होती है। देवता उसको एक शर्त पर वापस भेजते हैं। लॉन्ग वापस डीन के पास आ जाता है और डीन से विश मांगने के लिए कहता है। डीन विश में लीना के फादर की लाइफ मांग लेता है। डीन जब घर वापस आता है तो लीना और उसके डैड डीन से माफी मांगते हैं और डीन को उसकी बेस्ट फ्रेंड वापस मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि डीन बहुत सारे टीपॉट्स लेके स्टोर रूम में रखने जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक अनोखे टीपॉट पे पड़ती है जो कि बिल्कुल वही टीपॉट था जो कि उसके दोस्त विश ड्रैगन का टीपॉट होता है। डीन ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका लॉन्ग फ्रेंड वापस आ जाता है, जो कि सच में वापस आ जाता है और हमेशा डीन के साथ रहने लगता है। और इसी तरह मूवी का दी एंड हो जाता है।